हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग मैं जो है इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, और आज मैं क्लीनिंग का व्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी। और बहुत सारे कपड़े पड़े हैं घर पे, तो उनको भी मुझे फोल्ड करना है। तो पहले फोल्ड कर लेते हैं, फिर मुझे क्लीनिंग का, क्योंकि बहुत दिनों से क्लीनिंग मैंने घर की नहीं की, यानी कि खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह जैसे हैं। मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी क्लीनिंग का ब्लॉग। बहुत दिन से मैंने अपने घर को सही से साफ नहीं किया है, तो देखते हैं जितना हो पाएगा साफ करेंगे, और जो नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा ही थोड़ा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए इधर भी कपड़े छत पर से आ गए हैं, और वो देख लीजिए उधर भी पड़े हुए हैं, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं। तो पहले इनको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, और फिर जो है आज खिड़कियाँ दरवाजे भी बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो उनको भी मुझे साफ़ करना है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से चलते हैं और अपना काम करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये देख लीजिए इवनिंग का समय है, और अभी मुझे बच्चों ने कहा कि पापड़ भूनना है, तो मैंने कहा भून देते हैं। और अभी मैं जा रही थी कपड़े फोल्ड करने, लेकिन फिर नहीं कर पाई। मैंने कहा जब वो कह रहे तो उनके लिए बना देते हैं, बाद में कर लेंगे। और रात तक मेरा काम चला करता है, मेरा कोई टाइम नहीं होता है कि लेट हो जाएगा। जब भी मन करता है मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ कपड़े। तो अभी मैं ये पापड़ भून लूँ, फिर उसके बाद जो है मुझे कपड़े भी फोल्ड करना है। देखते हैं जो काम हो पाएगा उतना करेंगे। और ये देख लीजिए मेरे घर पे पापड़ जो है उसमें मसाले डाल के खाते हैं सभी लोग। और ये देख लीजिए अभी जो है शाम का ही टाइम था, और आम मैंने कहा धुल के रख देते हैं। और ये पहले ही आए थे, दोपहर में आए थे, तब मैंने बाल्टी में पानी में डाल के रख दिया था। तो अभी मैंने सिर्फ बाल्टी से निकाला है, बाहर रख के फ्रिज में लगा देंगे। और उसके बाद ये देख लीजिए फटाफट से मैं आ गई हूँ रूम में कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो ये देख लीजिए इतने सारे कपड़े पड़े रहते हैं, रोज़ का काम होता है यही। अगर एक दिन, पता नहीं ये दो दिन के हैं शायद, हाँ, और कभी ज़्यादा लग रहे हैं, दो दिन के हो गए हैं। कभी कभी मन नहीं करता है फोल्ड करने का गर्मियों के समय में, तो फिर दो दिन के हो जाते हैं। तो वही मैं कर रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा कितना ज़्यादा हम हाउसवाइफ लोगों को काम रहता है, बहुत ज़्यादा सभी को रहता है, ऐसा नहीं कि हम ही को रहता है, हम सभी हाउसवाइफ के लिए बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और गर्मियों में तो बिल्कुल भी काम करने का मन ही नहीं करता है, और क्या करें, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। और ये देख लीजिए इतने सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं, अभी इनको इनके सही ठिकाने पे लगाना होगा, यानी कि जहाँ जहाँ जिसके रखे जाते हैं। अलग अलग मैं रखती हूँ, एक साथ किसी के कपड़े नहीं रखती हूँ, नहीं तो फिर ढूंढने में दिक्कत होती है। तो बच्चों के कपड़े अलग, अपने अलग, सभी के अलग अलग कपड़े रखे रहते हैं, तो फिर ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है, आराम से हम लोग उठा लेते हैं, यानी सभी को पता होता है कहाँ पर रखे हैं। और उसके बाद ये देख लीजिए अभी मैं काटने लगी हूँ आम, क्योंकि आम का अचार मुझे बनाना था, और बहुत ही लेट से मेरे घर पर आम आए हैं, क्योंकि आते ही नहीं थे तो क्या करें बना के, फिर यानी कि आए ही नहीं थे तो फिर मैंने नहीं बनाया, लेट हो गया। तो अभी वही मैं काट रही हूँ, और ये देख लीजिए थोड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने कहा थोड़े से हैं तो कट जाएंगे, और हल्की सी धूप थी तो मैंने कहा दिखा देते हैं। तो वही ये देख लीजिए अभी हल्दी और नमक लगा के मिक्स कर रही हूँ, और उसके बाद जो है मैं छत पर डाल दूँगी, और हल्का सा ही पानी सूख जाएगा बस, फिर रख लेंगे, फिर दूसरे दिन मैं डालूँगी आराम से, और क्योंकि पक जाती हैं ऐसे। और मैं तुरंत ही थोड़ा सा पानी सूख जाने के बाद मैंने इनको रख दिया था। और ये देख लीजिए छत पर आम डालने के बाद अभी मैं आ गई हूँ यहाँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो मैंने कहा साफ़ कर देते हैं, शाम का टाइम ही था तो मैंने कहा साफ़ कर देते हैं सही से। और बहुत दिनों से मैंने अपने घर को भी साफ़ नहीं किया था सही से, तो मैंने कहा झाड़ू जब मैं लगा रही थी मैंने कहा खिड़की और दरवाजे भी साफ़ कर देते हैं तुरंत। तो वही ये देख लीजिए अभी मैं ये तो आंगन साफ़ करूँगी, यहीं पर ज़्यादा गंदा है और कहीं ज़्यादा है नहीं, तो मैंने कहा इसको पहले साफ़ कर देते हैं, और फिर जो है खिड़कियां वगैरह भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मेरा कोई टाइम नहीं होता है कि मैं कब कर लूँ। और उसके बाद मुझे नहाना भी है, ये इतना सब साफ़ सफाई करने के बाद नहा लेंगे, और फिर जो है मुझे शाम का खाना बनाना पड़ेगा, तो बना लेंगे बाद में।
और अभी ये देख लीजिए कूड़ा मैंने हटा दिया है साफ़ करके, और यहाँ पे जो पानी पड़ा हुआ था मैंने कहा उसको भी लगे हाथ साफ़ कर देते हैं तुरंत तो सही रहेगा, नहीं तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा बैठती हैं। और ये देख लीजिए भैया इधर जामुन लेकर आया है, क्योंकि जामुन का मौसम आ गया है तो ये गया था लेने, तो वही लेकर आया है रख के और फिर चला गया पता नहीं कहाँ। अचार काट के और छत पे फैला भी दिया है और हल्का फुल्का पानी भी उनका मर गया है यानी सूख गया है, तो हल्का फुल्का पानी भी उनका सूख गया है। तो अभी जाते हैं छत पर से उतार के ले आएंगे, फिर बर्तन भी धुलना है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, आज बहुत ज़्यादा काम किया क्योंकि दो रोज है मैंने वीडियो शूट किया आज, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो कल नहीं था तो इसलिए आज मैंने दो वीडियो शूट किए हैं और बहुत ज़्यादा बिजी थे आज दिन भर। तो अभी जाते हैं अचार को उतार के लाते हैं, फिर बर्तन धुलना है, फिर खाना बनाना है, बहुत ज़्यादा बैठना तो है ही नहीं। तो ये देख लीजिए मेरे घर पे आ गए हैं जामुन, आपके घर पे आए कि नहीं ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ज़्यादा मीठे थे, फर्स्ट टाइम आए हैं इस सीज़न में और बहुत ही मीठे लग रहे थे, तो वही मैं धुल के लाई थी और मैंने कहा इनको जो है फ्रिज में लगा देंगे और ठंडे हो जाएंगे तब खाएंगे, और रात में खाए थे बहुत ही अच्छे लगे थे, बहुत मीठे लगे थे। और जब गर्म होते हैं वैसे भी गर्म चीज़ नहीं खानी चाहिए, और ठंडी चीज़ ज़्यादा ही सही लगती है, नुकसान भी नहीं करती है। मैंने खा के देखा है जामुन जो है मैंने धुल के फ्रिज में लगा दिया, उसके बाद अब ये देख लीजिए खिड़कियाँ दरवाजे भी तुरंत का लगे यहाँ साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि आंगन में बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था तो मैंने आंगन साफ़ किया। फिर उसके बाद मैंने कहा खिड़की दरवाजे भी बहुत ज़्यादा गंदे थे, और फिर मैंने कहा कि जब मुझे अभी समय है, मेरे पास मिला है मुझे समय, तो फिर आज ही साफ़ कर देते हैं, ज़्यादा करना ही नहीं था, वही बस दो खिड़कियाँ और यही दो खिड़कियाँ ही करनी थी, जाले वगैरह लग गए थे ज़्यादा, तो मैंने कहा अभी तुरंत ही करते हैं क्योंकि जो काम जब याद आ जाए तो करना चाहिए। और फिर कई दिनों से सोच भी रही थी नहीं लगा यानी साफ़ कर पाई, तो मैंने कहा अभी तुरंत साफ़ करते हैं। तो अभी ये देख लीजिए बच्चों ने गोलगप्पा चैलेंज आज रखा था दोनों ने, तो मैंने कहा कर लो, और रात का समय है और रात में ही आते हैं इधर ज़्यादा मेरे मोहल्ले में, रात में आते बेचने वाले गोलगप्पे, तो वही फिर ये लोग बोल रहे थे करेंगे और कर रहे थे, करते करते इन लोगों ने फिर झगड़ा भी कर दिया था क्योंकि एक का थोड़ा सा फूटा हुआ था गोलगप्पा, तो उसी में कि उसको नहीं लेना, वो बोला था मुझे ये वाला नहीं लेना, बस इसी चक्कर में झगड़ा कर दिया। और फिर जो है इन लोगों ने गोलगप्पा चैलेंज ही नहीं किया था, थोड़ा सा किया था, फिर उसके बाद मैंने ही हटा दिया कि जब झगड़ा ही करना है इन लोगों को तो क्या करेंगे, फिर मैंने कहा चलो ठीक है नहीं होगा ऐसे ही, जिसको खाना है खा ले और जीतने में क्या है, शगुन ही जीतती। और ये थोड़ा स्लो खाता है तो ये तो जीतता नहीं मुझे, और ये मुझे पूरा यकीन था शगुन ही जीतती क्योंकि वो बड़ी है और जल्दी भी खाती है, तो फिर क्या करें चैलेंज करके, लेकिन बच्चों का मन था कि चैलेंज करेंगे तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लो भाई, लेकिन जब नहीं करना है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।